संविधान बदल देंगे, 400 पार आरक्षण को खत्म कर देंगे। तो योगी जी क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, अपराधियों को अगर सजा नहीं मिलेगी तो फिर आप और हम कैसे बचेंगे? ज्ञान वापी किसी मस्जिद का नाम कैसे हो सकता है? मैं एक और थ्योरी चली थी कि टिकट योगी जी को नहीं बांटने दिए गए। ये दरअसल समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है, बहुजन समाज पार्टी बहुत कमजोर तरीके से चुनाव लड़ी। भाई पिताजी बात मान लेता तो मायावती तो बिल्कुल सुप्त अवस्था में थी। दलित समाज में जो युवा वर्ग है वो चंद्रशेखर आजाद को बहुत ज्यादा पसंद कर रहा है। तो अगर आप पहली बार सांसद बने हो तो इस तरह का व्यवहार? तो जयंत चौधरी क्या सोच के एनडीए में आए? उधर भारत रत्न का ऐलान हुआ और इधर पासा पलटा। मुजफ्फरनगर से अजीत सिंह हारे थे और जयंत के मन में ये था कि मुजफ्फरनगर टिकट उसे मिले, तो वहाँ पे जो परीक्षा होनी हो जयंत की होनी। लेकिन आरएलडी और इनका जो है अलायंस विधानसभा चुनाव तक कैसे चलेगा? और जैसे जो मंत्रालय मिला कौशल विकास, उसके लिए होमवर्क बहुत कर रहा है, स्टडी बहुत कर रहा है। जब आरएलडी ने बीजेपी से हाथ मिलाया तो फायदा तो आरएलडी का हुआ है ना, क्योंकि मुझे लगता है कि आरक्षण और 400 पार वाली बातें अब धीरे धीरे पीछे जा रही है। 2027 तक में तो योगी जी के नाम पर ही चुनाव है। गोविंद जी के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। भाई राम का किरदार निभाया था, मोदी जी की पसंद के उम्मीदवार थे, तो के जिसे कहना चाहिए पेट तो भरा हुआ है। पैसों मुस्लिम समुदाय है वो कांग्रेस पर ज़्यादा भरोसा कर रहा था। अखिलेश थे वो कई महीनों में नाराज थे आजम खाले वाले मसले कि अब जो 10 विधानसभाओं पर उपचुनाव होना है जी। योगी जी तो उस चुनाव के बाद और ज़्यादा फॉर्म में आ गए जी। आप आनंद को लाई कि ऐसी इंसल्ट करी कि उसे बिल्कुल ही हटा दिया। क्या चंद्रशेखर आजाद हो सकता है कि दलितों में बड़े नेता हों? क्या असदुद्दीन ओवैसी ही हैं वो भी दलितों के? लेकिन अब आपके साथ मुस्लिम तो है नहीं, मुस्लिम जाएगा इनके साथ? मुझे तो बहुत संदेह है। पर राहुल जी के बारे में सब बात नहीं करेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारी बातें हैं।